इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो एवरेज प्रेशर है वो गैस का क्या होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर होता है, रो वी स्क्वायर होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर लो। ऐसा करने में क्या होगा, 2 इसके ऊपर आ गया, 2/3 इंटू रो को लिख लो एम इंटू एन, आज हमने किया, इंटू वी स्क्वायर, और हाफ को अलग रहने दो। अब एक बात बताओ, इसमें हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अलग कर लो और 2/3 एन अलग कर लो, तो एवरेज प्रेशर क्या आ गया, 2/3 इंटू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और हाफ छोटा एम क्या क्या चीज है, एक मॉलिक्यूल का मास है। तो क्या आएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, अ गैस का मतलब एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। आपको सर आपको ये फॉर्मूला याद है? नहीं मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं भाई। आपको सर इसको याद करना है? नहीं याद भी नहीं करना। तो फिर करना क्या है, ये ना टेक्निक बताई हुई है कि कल को अगर आपको इस रिजल्ट को देखते हुए एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ जाए और कोई बुक कोई ऐसा स्टेप उठाए तो आपको समझ में आएगी वो कर क्या रहा है। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने भाई देख लिया अच्छी बात है, पर मेरे को लगता है इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैंने भी बताना था मैंने बता दिया। तो हम इसको रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी तरीके से रिजल्ट ऐसे भी मॉडिफाई हो सकता है कि एवरेज प्रेशर इसके इक्वल है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। अब हाफ रो वी स्क्वायर क्या चीज होती है, देखो जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम है ना, इनटू वी का स्क्वायर। अब हाफ इनटू मास इनटू वी स्क्वायर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या बना, 2/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आप कहोगे सर याद है रिजल्ट? नहीं मेरे को नहीं याद है रिजल्ट, देख के बता रहा हूं कैसे किया है। आपको करना है? नहीं आपको भी नहीं करना, बस क्योंकि किताब करती है तो हमने भी कर लिया। कल को आप कोई नई किताब पढ़ें और आपको ऐसा फील ना हो कि सर आपने ये करवाया ही नहीं है और बहुत कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं इसमें, कि कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है, मेरे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं जो बहुत छोटे हैं और इस सारे आंसर को, सारे न्यूमेरिकल को ठीक कर देंगे। पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कोई बुक पढ़ें और आपको ऐसा फील ना हो कि हमें करवाया नहीं। जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस, अभी तक हम काइनेटिक एनर्जी किसकी निकाल रहे थे, पर मॉलिक्यूल की निकाल रहे थे, सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी ये, एक मॉलिक्यूल अ गैस मॉलिक्यूल। अब वो क्या चाह रहा है, अ मोल की निकाल लो। आप एक मोल ऑफ गैस ले लो, पी वी इक्वल टू आर टी, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला ले लो, इसमें डेंसिटी को लिख लो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल ऑफ अ गैस लिया है तो कैपिटल एम उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यहां पर 1/3 एम वी स्क्वायर एक तरफ, वॉल्यूम इधर ले आओ, एक मोल के लिए पी वी आर टी के इक्वल है, इस रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2/3। अब इसके अंदर 2/3 को इधर ले जाओ, 3/2 आर टी, इसके अंदर ये पूरी गैस का मास है, मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल का मास है, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी कहलाएगी, एक मॉलिक्यूल की नहीं है, ये एक मोल की है। तो यहां पर छोटे एम की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, बड़ा एम। तो आपको ये करना है? नहीं ये भी नहीं करना। तो फिर क्या करना है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा दो चार फॉर्मूलास की, बस वो करना है, एंड में लिख के दी हुई है मैंने, बस ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई बुक यूज करती हो आपको पता हो कि हाँ इस तरीके से एनर्जीज निकलती है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, अभी मोल निकालना है ना, मॉलिक्यूल की निकाल दो फिर से। तो एक और तरीका है, क्या करेंगे, 3/2 आर टी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये रहा 3/2 आर टी हाफ एम वी स्क्वायर, इस रिजल्ट को लिख लिया, हाफ एम वी स्क्वायर एक तरफ, 3/2 आर टी एक तरफ, कैपिटल एम केमिस्ट्री में कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास को क्या लिख सकते हैं, एवोगैड्रोस नंबर को एक मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि फिर टोटल गैस का मास आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से हाफ छोटा एम वी स्क्वायर एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। अब जब छोटा एम आ गया तो छोटा एम है क्या, मॉलिक्यूल का मास है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, जो किसके इक्वल आ गई, 3/2 आर बाय एन इनटू टी। एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो आंसर आ गया, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 केटी भी ली जाती है। याद करना है? नहीं करना। प्रूफ करना है? नहीं करना। फिर क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। तो फिर कर क्यों रहे हैं, जो चाहिए होगा उसको एंड में दो फॉर्मूले लिख दूंगा, बस वहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बता रहा हूं कि कैसे आएगा, आपको प्रूफ नहीं आएंगे, आपको सीधा न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है 3/2 आर टी हाफ एम वी स्क्वायर, अभी किया हमने, यहां से 3/2 आर टी हाफ एम वी स्क्वायर है,
टू से टू कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की ये वैल्यू आ गई। इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, इस वेलोसिटी को बोलते हैं मीन वेलोसिटी, नहीं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्यों बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर अभी बताता हूं। क्या ये फॉर्मूला करना है? हाँ ये करना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इस पे न्यूमेरिकल आएंगे? गारंटेड न्यूमेरिकल आएंगे, मेंस और नीट में तो 101% आएंगे, और आएंगे इसी पे आएंगे। तो फॉर्मूला मार्क कर लो और लिख लो कि आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 3 RT बाई एम है। टी फॉर गैस का टेम्परेचर है, एम फॉर मॉलिक्यूलर मास है। तो आरएमएस वेलोसिटी है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। न्यूमेरिकल ऐसे आएगा, एक गैस है, गैस का टेम्परेचर आपने 4 times कर दिया, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का क्या हुआ? 4 का अंडर रूट क्या है? 2। तो मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? 2। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ये जो वेलोसिटी है ये टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट है ही है, गैस के मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंडेंट है। अगर आप हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन लेंगे तो आरएमएस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? उनकी चेंज हो जाएगी। ठीक है यहां तक? तो ये याद करना है। हमने ये फॉर्मूला जो किया था प्रेशर का, उसमें जो वेलोसिटी ली थी उसका नाम भी आरएमएस वेलोसिटी ही है। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आरएमएस के साथ काम करते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी फॉर्मूला आरएमएस का है, ये भी फॉर्मूला आरएमएस का, या तो न्यूमेरिकल इस पे आएगा या न्यूमेरिकल इस पे आएगा। तो ये भी फॉर्मूला नोट किया जा सकता है। ठीक है यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं ये आरएमएस है क्या, एक्चुअल में हुआ क्या है ये। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो सपोज करो, ठीक है, मान लो हम अपना एक्सपेरिमेंट ना गैस पे ना कर रहे होते, ट्रैफिक पे कर रहे होते। चंडीगढ़ और पंचकुला का ट्रैफिक ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियां नहीं है, स्कूटर नहीं है, मान लो वो मॉलिक्यूल्स हैं, और हर कोई गाड़ी अपनी स्पीड पे चल रही है, हर कोई मॉलिक्यूल अपनी स्पीड पे चल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ ज्यादातर गाड़ियां चंडीगढ़ में किस स्पीड पे दौड़ती हैं? तो आपने कहा सर देखो ट्रैफिक बहुत है और चलने की तो जगह है नहीं, लाइट्स भी बहुत है, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक अगर चलता है तो 20 km/h से 40 km/h पे चढ़ता है, इससे ऊपर नहीं चल सकता। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो गाड़ी 60 पे भी चलाई थी, 70 पे भी चलाई है। भाई कोई खाली रोड मिल गई होगी, चल गई होगी कोई गाड़ी। ज्यादातर स्पीड जो व्हीकल्स की रहती है वो 20 से मान लो 50 के बीच में रहती है। तो मान लो अगर 1 लाख व्हीकल चल रहा है उसमें से 80,000 व्हीकल 20 और 50 के बीच में चलता है। तो 20 और 50 जो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम व्हीकल की वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब होता है ज्यादातर कारों के पास, गाड़ियों के पास जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल है। सेम रिजल्ट डालो किसके साथ? मॉलिक्यूल के साथ। लाखों मॉलिक्यूल हैं गैस के अंदर, हर के डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। आपसे पूछा गया कि ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास कितनी वेलोसिटी है, आपने बोला जी 10^3 वेलोसिटी है मान लो m/s। तो इसका मतलब उनकी कौन सी वेलोसिटी मानी जाएगी? मोस्ट प्रोबेबल। ज्यादातर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की वैल्यू को क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल। अब मैंने कहा नहीं यार मुझे ये कैलकुलेशन में भाता नहीं है, क्योंकि कोई साइकिल वाला भी जा रहा होगा यार 10 की स्पीड पे है, वो तो रह गया बेचारा। मिसाली कैल कोई मुझसे पूछे कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, मैं कैसे बोलूँ किसी को 40 स्पीड है? कार वाला तो पैदल वाला जा रहा है, वो तो चल 5 की स्पीड पे चल रहा है, तो उसको तो लेना ही भूल गया मैं उस हिसाब से। तो एवरेज स्पीड 40 तो नहीं हो सकती ना व्हीकल की। कोई 100 पे भी निकल रहा है, कोई 0, कोई 1 पे भी निकल रहा है, 2 पे भी निकल रहा है। तो ये कैलकुलेशन मोस्ट प्रोबेबल से हो नहीं सकती, सही रिजल्ट नहीं देगी। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट आया, वो कहता है एक काम करते हैं जी, सारे व्हीकल की वेलोसिटी ले लेते हैं V1 V2 V3 और सबका एवरेज ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, एवरेज ले लेते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मीन वेलोसिटी। इसकी एवरेज वेलोसिटी है या इसकी मीन वेलोसिटी है? ठीक है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल फेयर एंड सही, ठीक है, सही कह रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि फिजिक्स वाले बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी वेलोसिटी तो वेक्टर है, कुछ व्हीकल इधर जा रही है कुछ इधर जा रही है, इधर की वेलोसिटी +10 इधर की वेलोसिटी -10, जब आप इन्हें ऐड करोगे +10 -10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिजल्ट सही नहीं बैठेगा। तो इससे भी रिजल्ट आएगा लेकिन कुछ वेलोसिटीज कंपोनेंट आपस में कैंसिल भी होंगे, जिस वजह से आपकी वेलोसिटी एक्यूरेट रिजल्ट देगी नहीं। तो एवरेज निकालने का ये तरीका भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फिर एक समझदार स्टूडेंट आया, वो कहता जी तरीका मिल गया। क्या तरीका? वो कहता सभी व्हीकल्स की या सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज लो और आप उन वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दो। मैंने कहा स्क्वायर क्यों भाई? वो कहता स्क्वायर इसलिए करो ताकि
माइनस साइन का चक्कर ही खत्म हो जाए। अगर कोई मॉलिक्यूल 10 के साथ जा रहा है या माइनस 10 के साथ जा रहा है, उसको स्क्वायर कर दो, प्लस 10 का स्क्वायर भी एक ही बात है, माइनस 10 का स्क्वायर भी एक ही बात है, कम से कम वेलोसिटी कैंसिल तो नहीं होंगी। हाँ सही है, फिर उसका एवरेज ले लो। पर मैंने कहा तो वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज आ गया, अपने को वेलोसिटी का एवरेज चाहिए, फिर कहता रूट ले लो। तो मैंने कहा ये क्या किया, वो कहता देखो मैंने क्या किया, रूट लिया, फिर मैंने क्या लिया, इन सबका मीन लिया, ठीक, और एंड में क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। इस वेलोसिटी का क्या नाम है, रूट मीन स्क्वायर। और ये देखा गया है कि नॉर्मल कैलकुलेशन में रूट मीन स्क्वायर से तरीके से निकाली हुई वेलोसिटीज एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। तो एक्चुअल में वेलोसिटीज निकालने के कई तरीके हैं। मैं किससे काम करूं, मोस्ट प्रोबेबल के साथ करूं, या मैं एवरेज के साथ करूं, या मैं आरएमएस के साथ करूं, तो हम किसको फेवर करेंगे, आरएमएस। तो सारी कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट किसके साथ होती है, आरएमएस, ठीक। तो बहुत साइंटिस्ट ने ये तरीके निकाले और हमें कुछ फॉर्मूलाज दिए, हमने प्रूफ नहीं करना, हमें फॉर्मूलाज दिए। पहले फॉर्मूला देख लो फिर लिख लेना। पहला फॉर्मूला उसने दिया कि मीन वेलोसिटी, सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का सिंपल एवरेज ले लिया, जो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि कुछ वेलोसिटीज पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव आपस में कैंसिल होगी, पर कुछ तो देगा, वो कुछ तो देगा। फॉर्मूला ये रहा। तो पहला फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 8 kt बाय छोटा m, छोटा m का मतलब किसका मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और k फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t फॉर टेम्परेचर। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, इसका प्रूफ हमने सिलेबस में नहीं, हमने करना नहीं है। अब इसमें स्मॉल m को क्या लिख सकते हैं या k को क्या लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल को मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास क्या जाएगा, कैपिटल m। तो यानी कि ये फॉर्मूला जो आपने किया और ये किया, बात एक ही है, देखने वाली बात है कि ये फॉर्मूला तब लगेगा मीन वेलोसिटी का जब आपको मास किसका गिवन होगा, एक मॉलिक्यूल का छोटा m। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको क्या गिवन होगा, 1 मोल ऑफ अ गैस, तो आप मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो आपने बीच के स्टेप्स कुछ नहीं करना याद, आपने दो फॉर्मूले देखने हैं। अगर तो पर मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल में आर कभी यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, के यूज करते हैं। पर मॉलिक्यूल में कैपिटल एम कभी यूज नहीं करते, छोटा एम मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल यूज करते हैं। उसी तरीके से 1 मोल के अंदर, 1 मोल में स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम और के की जगह आर यूज करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अगर मान लो न्यूमेरिकल पर मॉलिक्यूल पे आता है तो ये फॉर्मूला, पर मोल पे आता है तो ये फॉर्मूला। अगर ये याद है, ये अपने आप याद है, कैसे, के को आर बना दो और छोटे एम को बड़ा एम बना दो, आंसर अपने आप कन्वर्ट हो गया, आसान है याद करना। ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज पे आते नहीं। आप अगर ये पूछोगे सर कितने क्वेश्चन आते हैं, मैंने नहीं देखे एवरेज, क्योंकि एवरेज सही रिजल्ट देता नहीं है, पर फिर भी अगर आ जाए तो आपको फॉर्मूला एक बार पता होना चाहिए। तो ज्यादातर किसके ऊपर आते हैं, आरएमएस के ऊपर आते हैं। आरएमएस का रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया, आरएमएस स्पीड का पहला फॉर्मूला जो आपने नोट किया था ये यूज किया, इसके अंदर R यूज हो रहा है, कैपिटल M यूज हो रहा है, यानी कि ये रिजल्ट पर मोल के लिए है। लेकिन अगर आपको पर मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या रिप्लेस करेंगे, R की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, K, और कैपिटल M की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, स्मॉल m। तो ये रिजल्ट को नोट कर लें, ये पर मॉलिक्यूल के ऊपर है, ये पर मॉलिक्यूल है और ये पर मोल है, बस ये दो फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, पर मॉलिक्यूल और पर मोल। तो इसमें, इस रिजल्ट में आरएमएस में पर मोल में ये रहा और पर मॉलिक्यूल में ये रहा, दोनों फॉर्मूलाज को नोट कर लेना, क्योंकि कई बार मॉलिक्यूल पर, कई बार क्वेश्चन पर मॉलिक्यूल पे गिवन होता है और कई बार पर मोल पे। अगर मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है तो फिर वो यूज करना, मोल आ रहा है तो ये यूज करना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसमें याद फॉर्मूला ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है इसका। ऐसे ही आरएमएस जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आरटी की जगह पीवी भी लिख सकते हो, 1 मोल के लिए पीवी इक्वल टू आरटी। आरएमएस स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर पे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम यानी कि मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ नहीं गेम, सिर्फ फॉर्मूला की गेम है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, खत्म है चैप्टर, इसके बाद एक का टॉपिक रह गया, इतना ही है इसमें।
ठीक क्या आएगा बताता हूँ कैसे आएगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। एक और स्पीड है जो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा, जिसको क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। इसके ऊपर तो बिल्कुल क्वेश्चन आता देखा नहीं मैंने, पर फिर भी फॉर्मूला कर लो, पता कुछ नहीं लगता कब आ जाए। इसका फॉर्मूला है पर मॉलिक्यूल के लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला छोटा m, और पर मोल में क्या करेंगे k की जगह r और स्मॉल m की जगह बड़ा m, पर मोल आ जाएगा। अब क्वेश्चन जो दो चार बार कम से कम आया हुआ है इस टॉपिक पे, ये पूरा सुनने के बाद जो आप आधे घंटे से सुन रहे हैं, आपको चार ऑप्शन देगा, वो पूछेगा कौन सी वेलोसिटी बड़ी कौन सी छोटी है। रिजल्ट याद कर लो, किसी भी सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स में, मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, तो आरएमएस वेलोसिटी सबसे बड़ी होती है, फिर एवरेज होती है, और फिर मोस्ट प्रोबेबल होती है। ये रिजल्ट को करेक्ट ऐसे मार्क करना है, भूलना नहीं, इस पे क्वेश्चन ये आना है, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए मेरे को सारे फॉर्मूला बताने पड़े और ये पूरा रिजल्ट बताना पड़ा कि ऐसा होता है, अदरवाइज तो ये रिजल्ट है। ठीक है यहां तक?